क्या आप जानते हैं हमारा भूमंडल पूरे 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें एक तत्व अग्नि भी शामिल है। और अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सब कुछ नष्ट कर देती है। ये विकराल रूप भी धारण कर सकती है तो शांत भी रह सकती है। वहीं छोटे बड़े शहरों में हाल ही में कई ऐसी आगजनी खबरें सामने आई हैं। इसी बीच अजमेर शहर में भी इन दिनों दो जगहों पर भीषण आग लगने का मामला देखा गया है, जिसमें कई लोगों के सपने भी जलकर राख हो गए। आपको बता दें कि 5 तत्वों में शामिल अग्नि ने पहले दिन एक कॉम्प्लेक्स को अपना निशाना बनाया, जिसमें सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 100 लोगों के सपने जलकर खाक हो गए। वहीं दूसरी ओर अब भी पहला मामला शांत ही नहीं हुआ था, तब तक एक चर्च अग्नि का ग्रास बन गया। क्या आप जानते हैं जगह जगह लगने वाली आग अपने हर वार के पीछे एक बड़ा प्रश्न छोड़कर जाती है कि क्या हर वर्ष इसी तरह हादसे होते रहेंगे, और जो अग्नि की चपेट में आएंगे क्या वह इन परिणामों को यूं ही भुगतते रहेंगे। इन सब से आपने यह तो जान ही लिया कि अग्नि ना मंदिर देखती है और ना ही चर्च, इसके लिए तो सब एक सम्मान है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, तो पेश है आपके बीच आपकी नज़र। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभी तक सामने नहीं आई है, तो चलिए बात करते हैं क्या कहना है AFO तवर से। तो आप किस किस को ये सर्टिफिकेट लेना चाहिए? जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है, मॉल, हॉस्पिटल, जो अभी नया हमारा सर्कुलर निकला है 14 सितंबर का, उसमें सारा बाइफिकेट किया हुआ है कि किस किस भवन को किस प्रकार से कितनी ऊंचाई की हो, उसको सारा उसमें दिया हुआ है। उससे उनको पता पड़ेगा कि जिस जिस भवन को लेनी चाहिए उसको उसमें उल्लेखित किया हुआ है उसमें। अच्छा, अभी 2023 और 24 में कितना आपने जारी कर दिया सर्टिफिकेट? वो एक बार हमें पूरा देखना पड़ेगा हमारे रिकॉर्ड में, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जारी होती है, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके थ्रू हमको निकालना पड़ेगा कितना है। अभी हम चेक कर लेंगे एक बार कितनी है। जो भी हमें अप्लाई करता है तो उसको हम उसके जो सिस्टम लगे हैं उसको चेक करके जो नियम अनुसार जो फीस और सेस जमा होता है वो जमा करा के फिर उसके अनुसार जारी करते हैं। और अगर किसी ने सर्टिफिकेट नहीं लिया तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए? जो सर्टिफिकेट नहीं लेता है हम उनको नोटिस जारी करते हैं। नोटिस जारी करने के बाद दूसरा नोटिस जारी करते हैं, एक दिन का नोटिस जारी करते हैं, फिर कमिश्नर साहब के आदेशानुसार अगर उसको सीज करने की प्रक्रिया करती है तो सीज की प्रक्रिया। एक 22 करोड़ की एक गाड़ी खरीदी है। 18 करोड़ की गाड़ी है, जयपुर DLB से प्राप्त हुई है हमें। वो हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म है जो बहुमंजिला इमारतों में आग को काबू करने और रेस्क्यू करने के लिए, जान माल की हानि को बचाने के लिए वो उपकरण हमें दिया गया है, जिसकी अभी प्रशिक्षण बाकी है। हमें पास अभी हैंडओवर तो कर दिया गया, मगर उसका प्रशिक्षण जो बाहर से जो टेक्निकल टीम आएगी वो प्रशिक्षण हमें देगी, उसके बाद उसका हम उपयोग करें। उनका जो नियम है एक्चुअली राजस्थान में फायर एक्ट लागू नहीं है। तो सुना आपने, फिलहाल राजस्थान में फायर सेफ्टी कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। क्या राजस्थान में आग लगने का खतरा कम है या फिर कोई और कारण? दूसरी ओर सरकार द्वारा अजमेर को 18 करोड़ की लागत से एक विशाल अग्निशमक यंत्र भी दिया गया है, लेकिन फिलहाल इसे ऑपरेट करने वाला कोई ऑपरेटर नहीं। और इस बीच खुदा ना खास्ता कोई बहुमंजिला इमारत आग की चपेट में आ जाए तो इस बड़े हादसे को कैसे काबू किया जाए? फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र अनिवार्य है और इसका पालन नहीं करने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं हम बात करते हैं टाटा पावर के CEO मनोज सालवी से। मैंने कल आप लोगों का एक प्रेस नोट पढ़ा था और जो अजमेर शहर में जो घटना हुई है उसको देखते हुए आप लोगों ने कुछ सार्थक प्रयास किए हैं कि किस तरीके से अवेयर किया जाए। मुझे थोड़ा बताइए कि ऐसा मन में क्यों आया? जी भी इंसिडेंट्स, 2-3 इंसिडेंट्स सामने आए, तभी ऐसा लगा कि जो कुछ ज्ञान हमारे पास है वो थोड़ा सा डिसिमिनेट करें, लोगों को अवेयर करें। उस उद्देश्य से हमने 2-4-5 पॉइंट निकाले और बेसिक चीज़ें जो होती है कि इलेक्ट्रिक सेफ्टी की, जो घर में या छोटे दुकानों में हम फॉलो, बड़े लोग तो फील कि हो सकता है मालूम होने, बट
घर वालों को या छोटे दुकानदारों को ये ज्ञान शायद नहीं हो, तो एक छोटा प्रयास किया है उन्होंने। बड़ी बिल्डिंग्स तो फायर सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करके ही बनती है, आर्किटेक्ट जब बनाता है फायर सेफ्टी के रूल फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर उसको चेक करता है, बट छोटे छोटे घर या मकान या दुकान ये सब अनफॉर्चुनेटली चेक नहीं होते हैं। तो उस मामले की तरफ से हमने लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करी है। तो जैसे ये अभी जो घटना हुई है, ऐसा कोई कानून है आपके पास जो ऐसा कुछ कार्रवाई आप कर सकते हो उनके ऊपर? जैसे आप लोग कनेक्शन देते हैं, कमर्शियल कनेक्शन और आपका जो हाउस होल्ड कनेक्शन होता है, तो देखते हैं आप लोग कि क्या इसको कमर्शियल कनेक्शन देना चाहिए। तो जब आप कनेक्शन दे रहे हैं तो क्या उससे पहले कोई जांच वगैरह नहीं होती है कि इस कनेक्शन को दिया जाए या नहीं दिया जाए? नहीं, हम जो भी कनेक्शन देते हैं वो आरईएससी ने टीसीएस टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ सप्लाई ये एक रूल बुक जारी किया है, उसके तहत ही हम लोग कनेक्शन देते हैं और उसमें एक सेल्फ सर्टिफिकेशन रहता है कि हमने वायरिंग चेक करी है, कंज्यूमर ने करी हुई है, बेस्ड ऑन दैट वी गिव कनेक्शन। अच्छा, तो वायरिंग लगाने से पहले चेक करवाते हैं वो, क्योंकि वायरिंग लगने के बाद तो शायद चेक करना पॉसिबल नहीं है। लगने के बाद ही चेक करेंगे ना, वंस वी इंस्टॉल वायरिंग तो उसकी सेफ्टी या उसका या कहीं लीकेज है क्या नहीं है वो लगने के बाद ही चेक होगी, कनेक्शन होने के पहले। अच्छा, 7 साल में आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस आया है कंज्यूमर में, कुछ अवेयरनेस में? दिख तो रहा है, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अभी आजकल इंटरनेट के माध्यम से लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, इंसिडेंसेस भी सोशल मीडिया के वजह से काफ़ी आगे आते हैं। आपने व्हाट्सएप नंबर वगैरह निकाले देखा था मैंने। हमने डिजिटल करने की बहुत कोशिश की है कंप्लेंट्स के लिए, या मोबाइल ऐप भी अभी हमने निकाला हुआ है, लोगों को डिजिटल पेमेंट के ऊपर भी हम लोग काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं, क्वार्टरली हमारी पेन विन स्कीम रहती है। आप लोगों में से कोई जैसे पर्टिकुलरली वहाँ जाके देखा क्या आप लोगों ने जहाँ ये घटना हुई है? अभी दो घटना बड़ी हुई है, भेजा है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कारण क्या रहा मेन? नहीं, वो तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रहेगी वो तो करेंगे, एजेंसी वो करेंगे, उससे ही बाहर आएगा। हाँ। हम उसे उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम एक कोशिश और कर रहे हैं ये आने वाले साल में, एनर्जी क्लब नाम का हमारा एक इनिशिएटिव है। अच्छा। जिसमें हम स्कूल के बच्चों को एनर्जी कंजर्वेशन, बिजली कैसे बचाई जाए और बिजली से कैसे बचे जाए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ये दो टॉपिक के ऊपर हम ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनके माध्यम से ये मैसेज जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का या इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन का, ये अजमेर में स्प्रेड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। आप हम तो ये चाहते हैं कि टाटा जब से अजमेर में आया है तब से अच्छा काम कर रहा है और इतना एजुकेट हो जाए अजमेर का हर कंज्यूमर कि कम से कम इस तरीके की घटना किसी के साथ ना हो। फायर सेफ्टी को लेकर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के भरोसे ना रहकर आप स्वयं स्मार्ट सिटी के स्मार्ट नागरिक अपनी सूझबूझ से ही ऐसी घटनाओं से दूर रह सकते हैं। सरकारी दफ्तरों को तो रहने ही दीजिए सरकार के भरोसे। दर्शकों, हम आपके लिए कुछ ज्वलंत प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं। क्या फायर एनओसी लेंगे? क्या इस विषय पर सरकार गंभीर होगी? आम आदमी या पड़ोसी का क्या कसूर है या वे यूं ही आपदा के शिकार होते रहेंगे? क्या राजनीति नेता इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे? आज लेती हूं आपसे विदा, अगली बार फिर किसी मुद्दे को लेकर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।